अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर बायो का वो है न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले चैप्टरों को पढ़ने से पहले बताना जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्या है, चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान सिलेबस है उसमें आप पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और नॉन मिनरल एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इंट्रोडक्शन में आप लोग देखिए कि सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई गई है और उसकी जरूरत बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन एंड यूटिलाइज फूड एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस के जरिए उस खुराक को हासिल करता है और खुराक को इस्तेमाल करता है तो इसको हम कहते हैं कि उसने न्यूट्रिशन ली है, ठीक है। फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तमाम खुराक जो है वो न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म हासिल करता है ताकत हासिल करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो खुराक हासिल नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो हो जाएंगी, तमाम सेल फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स का भी जिक्र आया है कि ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म की खुराक प्रिपेयर कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ जो है सिंपल न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफ जो है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए उनको दूसरे तरह के कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्लियर। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो है न्यूट्रिएंट्स किस तरह पौधे जो है अपने नशो नुमा के लिए एनर्जी उनको चाहिए बिल्कुल, और किस तरह से वो एनर्जी हासिल करते हैं, और कौन कौन से मिनरल्स वो एज अ फूड जो है वो रिक्वायर्ड है उनको, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर टू काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पौधे हैं उनको दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नॉन मिनरल एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नॉन मिनरल और नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स को रिक्वायर्ड है ताकि वो अपनी लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकें, ग्रो कर सकें, ठीक है। अब नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स अदर आर नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि नॉन मिनरल्स के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स वो लोग हासिल करते हैं जिनको दरकार है वो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके उनके बढ़ने के लिए ज़्यादा जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर नीड बाय प्लांट्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू टाइप्स। जिस तरह के प्लांट्स की जरूरत है न्यूट्रिएंट्स फिर दो तरह के आ जाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में या आप कह सकते हैं कि ज्यादा अमाउंट में जो है दरकार है या ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इन लार्ज क्वांटिटी वाइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय द प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को वो बड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जरूरत जो है वो ज्यादा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट उनकी जरूरत कम है, उनका इस्तेमाल इतना नहीं है, इसीलिए पौधे को उसकी जरूरत जो है वो कम है, ठीक है। द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, क्लियर। कुछ आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनका फंक्शन है कि उनका क्या रोल है प्लांट्स बॉडी में, उनकी प्लांट लाइफ में उनकी क्या अहमियत है, तो आपको टेबल दिया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके आगे उसका फंक्शन लिखा है। नाइट्रोजन देखिए, उसके नाइट्रोजन जो एक मिनरल है माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो है बड़ी अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, तो इसका फंक्शन क्या है कि पार्ट है क्लोरोफिल का, रैपिड ग्रोथ में हेल्प करता है और अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है। नंबर टू है फॉस्फोरस, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, रैपिड ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है, ये एडीपी और एटीपी का जो है हिस्सा है, और ये शुगर स्टार्च फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो पार्ट है क्लोरोफिल का, बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, और ये फ्रूट और फ्लावर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पोटेशियम इसी तरह
फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फूड क्वालिटी को इन्हांस करता है, इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है, और स्टोमेटा जो है जिस एक ओपनिंग है उसको क्लोज और ओपन करने में मदद देता है। सल्फर भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो रूट ग्रोथ और सीड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो प्लांट बॉडी की सेल वॉल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन जो पानी की होती है पौधों में उसको हेल्प करता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर याद करिएगा। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, पॉलीडीनियम है, और निकल है, सोडियम है, और जिंक है। सबसे पहले बोरोन जो बीज से उसको प्रेजेंट किया जाता है इज नेसेसरी फॉर द सीड एंड फ्लावरिंग डेवलपमेंट, यानी कि पौधे की नशोनुमा के लिए, बीज की नशोनुमा के लिए जरूरी है, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो प्लांट में जो ऑस्मोसिस है यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर को जो है कंट्रोल करता है, उसको हेल्प करता है कैरी ऑन करने के लिए। कॉपर है, देखिए कॉपर जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कैटलाइज मैंने प्लांट प्रोसेस पौधे में डिफरेंट प्लांट के प्रोसेसेस को सर अंजाम दे करता है और इम्प्रूव करता है फ्रूट के फ्लेवर को। इसके बाद आयरन है जो रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ के लिए, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मैग्नीज जो है रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इट हेल्प्स इन द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। मॉलिब्डेनियम जो है रिक्वायर्ड होता है ताकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सके, एंड नाइट्रेट को कन्वर्ट कर सके अमोनिया में। क्लियर, निकल जो है रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, सोडियम जो है वो रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस को जो है बरकरार रखने के लिए, और जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन, यानी कि जिंक जो है वो कि क्या करता है कि अर्ली ग्रोथ जो प्लांट में होती है तो उसको मेंटेन करता है, उसको डेवलप करता है, और साथ ही साथ स्टार्च फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि आप ये जो चैप्टर है इसकी जो टेबल्स हैं ये आप लोगों ने बाय द फंक्शन एंड द नेम्स ऑल्सो बिल्कुल प्रिपेयर करने हैं। ठीक है,